नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आवा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को रीजन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला लाइन आपको पढ़ना है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र का आयु जो है 15 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद होगा 15 वर्ष, तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, सिर्फ माइनस कर दीजिए 15 में से 3, तो यहाँ पे आपका पुत्र का जो आयु है पता चल जाएगा कितना वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें ये पता चल गया कि पुत्र का जो अभी वर्तमान में आयु 12 वर्ष है, तो देखिए कहता है कि जो पिता है पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना जब बड़ा है तो सिर्फ आपको 12 में कितना गुना कर देना है, 4 गुना कर देना है। सो आपको पिता का आयु पता चल गया 48 वर्ष। अब देखिए कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अब पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो इसका जो पत्नी होगा पति से कितना वर्ष छोटा होगा, 3 वर्ष छोटा होगा। सो यहाँ पे 48 से सिर्फ आपको -3 कर देना है, सो आंसर क्या आ जाएगा, 45 ईयर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा था, आप अगर इससे एग्ज़ाम में देखते हैं तो पहले स्किप करते हैं, बट सबसे इजी कोई अगर चैप्टर है तो वो है आयु संबंधी चैप्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, थोड़ा सा आप माइंड यूज़ करेंगे, क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आपको पढ़ते जाना है और सॉल्व करते हुए जाना है, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर आप इसका जो भी सोल्यूशन है वो निकालें। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से आपको इसका जो फिगर है वो आपको ड्रॉ करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला लाइन में कह रहा है कि एक्स और वाई भाई भाई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, एक्स और वाई क्या है, भाई भाई है, तो दोनों तो भाई होगा। फिर कहता है कि आर बाई का पिता है। अब देखिए आर कह रहा है बाई का पिता, तो पिता कहाँ जाएगा, ऊपर वाला पीढ़ी में जाएगा, तो आर किसका पिता है, बाई का पिता है। अब देखिए आर अगर बाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए कहता है कि एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। ठीक है, एस इस एस के बारे में कहा जा रहा है, इस एस के बारे में, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। अब देखिए इस एक्स का मामा कौन होगा, इसका कोई पत्नी होगी, इस आर का कोई पत्नी होगा और इसका कोई भाई होगा, वही इस बंदे का मामा होगा। सो इस बंदे का मामा कौन है, एस है। ठीक है, अब ये जो टी है, टी हमें मालूम नहीं है, टी इसका पत्नी है या इसका साला कोई है, ये तो हमें मालूम नहीं है। ये फीमेल भी हो सकती है और यहाँ पर ये मेल भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। बट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माता, यहाँ पर जो रिलेशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, टी का आर से क्या संबंध है, इस टी का आर से संबंध बताने के लिए कह रहा है। सो यहाँ पे इसका उल्टा कर दीजिए कि आर का संबंध टी से क्या है। तो यहाँ पर देखिए माता होगा क्या, बिल्कुल भी माता नहीं होगा, या तो पत्नी होगा या तो साला होगा। सो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर पत्नी ही दिखेगा, सो आंसर क्या होगा, पत्नी। अगर साला होता तो हम साला पर टिक करते हैं, बट यहाँ पर 2 में से 1 रहेगा, सो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पत्नी, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पत्नी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सिलॉक्स का और एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में सिलॉक्स का रहेगा ही। चलिए जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन उसी तरह से हम फिगर यहाँ पे बना लेते हैं और देखते हैं कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करता है। कहता है फर्स्ट में कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी का फिगर हम यहाँ पर बनाते हैं और इन दोनों का रिलेशन दूरों दूरों तक नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि सभी कुर्सियाँ मेज हैं। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा कुर्सी है ये क्या है, मेज है, यानी मेज के अंदर कुर्सी आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष कौन कौन से यहाँ पे फॉलो करेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सियाँ हैं। अब देखिए ये वाला जो मेज है कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, तो ये पूरा का पूरा जो कुर्सी है किसके अंदर में है,
मेज़ के अंदर में है। तो जब मेज़ के अंदर में पूरा का पूरा कुर्सी है तो कुछ मेज़ तो कुर्सी होगा ही। सो ये जो आपका निष्कर्ष है फर्स्ट वाला, ये आपका सही होगा, ठीक है। अब आगे कहता है कि कुछ मेज़ें गाय है क्या। अब देखिए कुछ मेज़ें, ये वाला जो कुछ मेज़ें हैं गाय से कह रहा है कि है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका अगर फिगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, मैं आपको एक फिगर और ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा कुर्सी हो गया और ये हमारा पूरा का पूरा मेज हो गया। ये हम इस तरह से भी फिगर को ड्रॉ कर सकते थे। तो इस मेज के अंदर ये गाय भी आ गया। सो यहाँ पे ये डाउटफुल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसे हम डाउट में छोड़ेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। अब देखिए ये जो कुछ कुर्सियाँ गाय को कहा जा रहा है, तो इस गाय और इस कुर्सी में कह रहा है कि कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जब रिलेशन होगा ही नहीं तो कुछ का तो कोई संभावना बनता ही नहीं है। सो ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए कहता है कि कोई मेज गाय नहीं है। अब देखिए ये वाला कह रहा है कि कोई भी मेज गाय नहीं है, तो हमने बोला ना कि ये इसे अगर हम पूरा लेते हैं तो इस मेज के अंदर जो है गाय आ जाएगा। सो ये भी हमारा डाउटफुल में है, ठीक है। सो ये देखिए ये आपका एक नंबर सही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल ए। अब इसमें देखिए एक और भी ऑप्शन हो सकता था, क्या हो सकता था, यहाँ पर देखिए कुछ मेज गाय है और कोई भी मेज गाय नहीं है। ये सम वाला केस है और ये सम नोट वाला केस है। तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा या वाला हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि एक भी सही होगा और ये दोनों में से या वाला रहेगा, या तो दो या तो चार। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है, केवल एक, यानी कि आंसर सी सही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप जरूर हमें कमेंट करें कि सर समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसे आप कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए यहां पे दिया है। सो यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि HONEST बाई, यानी कि ऑनेस्टी का यहां पे मान दिया हुआ है 5132468, और यहां पर देखिए दिया हुआ है POVERTY, पॉवर्टी दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 7192068। और आपसे पूछा जा रहा है कि HORSE का मान क्या होगा, यानी कि हॉर्स का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है कि इसके नीचे ये सभी जो लेटर दिया हुआ है डिजिट में, ये हमें यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं एच के लिए यहाँ पे क्या मान रखा गया। तो यहाँ पर देखिए एच यहाँ है, एच के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है 5, सो यहाँ पे 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वर्ड निकालेंगे ई, तो ई के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया। तो देखिए ई आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ई देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ई है, तो इधर से हम 4 गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 2, यहाँ पे 2 आएगा आपका। आपको यहाँ पर भी देख लेना है कि यहाँ पर 2 यूज़ किया गया है या नहीं। तो यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, चौथे स्थान पर है, तो इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 ही यूज़ किया गया है ई के लिए। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि 5 और 2 कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी, जिसमें 5 भी है और लास्ट में 2 भी है। तो यहाँ पर देखिए सभी देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं हुआ, इन तीनों से तो हम बच गए। सो आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, फर्स्ट वाला देखना है और लास्ट वाला देखना है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब ये पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 4841 बराबर में 3 दिया हुआ है, फिर 633 बराबर में आपका 5 दिया हुआ है, फिर 4255 है बराबर में आपका 7 है, और फिर आपका 217 है बराबर में आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लॉजिक आप जैसे चाहें उस तरह से लगा सकते हैं, बट ये बनने वाला है नहीं आपसे, मैं इतना गारंटी कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है नहीं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक जो लगाया गया है थोड़ा सा हट के लगाया गया है। क्या लगाया गया है आप देखिए, ये जो आपका 1 दिख रहा है, 1 3 और ये 5, इस 1 में प्लस 2 किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 हो गया। इस 3 में फिर से प्लस 2 किया गया है, सो यहाँ पे हो गया है 5।
इस 5 में प्लस 2 किया गया है, सो यहाँ पर देख सकते हैं हो गया है 7। तो ये जो लास्ट में 7 है इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 2 ही करेंगे। सो प्लस 2 अगर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी लॉजिक आप समझ गए होंगे, और जिनका भी यहाँ पे बना है वो यहाँ पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा बन चुका था या बन गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं वीडियो रोक के, अगर नहीं बने उसके बाद आप वीडियो पुनः देखें। क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में प्रतीकों को किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि ये जो यहाँ पे प्रतीक दिया हुआ है ऑप्शन बी डी ए और सी, इन चारों में से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन रखें ताकि ये पूरा का पूरा फुलफिल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर रख लेते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट रखने के बाद आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनटू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनटू रख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस हम रख देते हैं, फिर देखिए इनटू है तो यहाँ पर हम इनटू रख देते हैं, फिर आपका प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस रख देते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, डिवाइड का काम करें, फिर आप मल्टीप्लिकेशन का काम करें, फिर आप प्लस का काम करें, फिर आपका माइनस का काम करना है। तो यहाँ पर देखिए इनटू आपको दिख रहा होगा, तो 25 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 में जब 6 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हम गुना का काम करते हैं, तो 4 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, और 44 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पर भी इधर भी 44 और इधर भी 44, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे और इसका आंसर आप सभी को जल्दी से हमें कमेंट करके बताना है, आपको यहाँ पर हम 15 सेकेंड देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। कुछ लोग यहाँ पे लॉजिक क्या लगा रहे होंगे कि 6 है, 14 है और 28 है, इसको 2 गुना करते हैं और प्लस 2 कर देते हैं, फिर इसको 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए 28 है, यहाँ पर 30 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो लॉजिक हमारा फेल हो गया। फिर यहाँ पर कुछ लोग प्लस करके देख रहे होंगे, तो चलिए हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं, प्लस करके हमारा आंसर आता है या नहीं। तो 6 है, 14 है, फिर आपका 30 है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, और यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा 16। सो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 गुना हो रहा है, 8 से अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है। ठीक है, अब देखिए 4 से यहाँ पर बढ़ा 16, पहले ऑप्शन एक देख लेते हैं, तो कितना बढ़ा, यहाँ पर 12 बढ़ा, और यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर 12 बढ़ा, तो कितना गुना, एक ही गुना है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी देखिए 7 से 12 हुआ तो यहाँ पर प्लस 5 हो गया, और 12 से यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ, 22 हुआ, तो यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को इतना वायरल करें, इतना वायरल करें कि ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।